हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रोबिन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोबिन फैशन डिज़ाइनर में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास कुछ ऐसे सूट आ जाते हैं जिनमें ऑलरेडी वर्क होता है, गला बना हुआ होता है, और इस तरह के जो बने हुए गले होते हैं दोस्तों, इसमें जो कोरा लगाया जाता है, किस तरीके से इसमें कोरा लगाया जाता है, तो आज की वीडियो में आपको मैं यही बताऊँगा कि किस तरह से बने हुए गले में कोलर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक सूट है, इसमें ऑलरेडी ये गला बना हुआ है, इसे वर्क वाला गला बोला जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस तरह से हम सूट को कर लेंगे उल्टा। अब इसकी आप गले की चौड़ाई देखिए कितनी है। इस गले की जो चौड़ाई है दोस्तों, वो 6.5 इंच है, और जनरली जो हम गले की चौड़ाई रखते हैं वो हम 5.5 से 6 के बीच में ही रखते हैं। तो दोस्तों, हम गले की चौड़ाई रखेंगे 6 इंच। तो ये देखिए, आपको इस तरह से 6 इंच पर निशान लगा लेना है। ये देखिए, दोनों तरफ से बराबर बराबर मार्जिन छोड़ते हुए ये जो है मैंने गले पर निशान लगा दिए, और इसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है सिलाई लगानी है। अगर किसी कारणवश ये गला ज़्यादा चौड़ा हो तो उसको छोटा करने के लिए दोस्तों, आप बीच में से इस तरह से सिलाई लगा के गले की चौड़ाई को भी कम कर सकते हो। तो दोस्तों, ये निशान लगाने के बाद आपको लेना एक कपड़ा इतना चौड़ा ताकि पूरा का पूरा गला उसके अंदर कवर हो जाए। जैसे कि देखिए, एक चौड़ा कपड़ा मैंने ले रखा है, ये इसके अंदर आराम से कवर हो रहा है। तो दोस्तों, इसको बनाना कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, कपड़े को रखना है बिल्कुल सीधा, उसके बाद आपको इस गले को इस तरह से रखना है। देखिए, दोनों तरफ से बराबर मार्जिन छोड़ देना है आपको। ये देखिए, ये गला है और लगभग दोनों तरफ से 2-2 इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा हुआ है। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक सिलाई लगानी है इस तरीके से, और सिलाई लगाने के बाद कपड़े को अंदर की तरफ पलट लेना है, और पलट लेने के बाद जो सारा का सारा कपड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा, और केवल 2 सिलाई में ही ये जो है हमारा गला बन जाएगा। ये गला किस तरह से बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये सिलाई लगाने के बाद देखिए, इस तरह से इसको आप कर लें सीधा, और सीधा करने के बाद जो हमने सिलाई लगाई थी, ये जो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा सारा दिख रहा है वर्क वाला, इसकी आप कटिंग कर लें। सिर्फ आपको 1/2 इंच का मार्जिन इसके अंदर रखना है। गुलाई वाली जगह पर आपको कट लगाने होंगे, क्योंकि दोस्तों, अगर हम गुलाई वाली जगह पर कट नहीं लगाएंगे तो गले के जो प्रॉपर शेप है वो बन नहीं पाती, और शेप बनाने के लिए हमें कट की ज़रूरत पड़ती है। अब इस तरह दोस्तों, जैसे ये देखिए, कपड़ा सारा का सारा आपका अंदर चला जाएगा। इसके लिए करना क्या है आपको, ये देखें, इसके 2 ऑप्शन होते हैं। आप चाहो तो इस पर नाखून लगाकर इसको डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हो इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, और दूसरा ऑप्शन है अगर आप चाहो तो इसमें पहले एक सिलाई लगा लें। पर दोस्तों, मैं आपको शॉर्टकट तरीका ही बताऊँगा। ये देखें, पहले इस पर नाखून लगा लें। नाखून लगाने से जो कपड़ा हमने अंदर जोड़ा हुआ था उसका जो सारा का सारा मार्जिन अंदर की तरफ चला जाएगा, और उसके बाद आपको किनारे पर एक सिलाई लगानी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरह से ये हमारा जो गला है आगे से बन चुका है। अब जो इसका अंदर का जो कपड़ा होता है ये वाला, इस कपड़े को किस तरह सेट किया जाता है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, गला बनने के बाद ये देखिए, जो अंदर की तरफ जो ये कपड़ा है सारा का सारा, इस कपड़े की जो कटिंग है हमें किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। हमें लगभग यहाँ से 1.5 से 2 इंच की दूर इतनी चौड़ाई इसकी रखनी होती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये निशान लगा रहा हूँ मैं गुलाई में, और इसी निशान के ऊपर आप कटिंग कर लें। सिर्फ कपड़े की ही कटिंग करनी है, नीचे से सूट ना कर दे, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। इस तरह से दोस्तों, ये गोलाई शेप में आ गया है। अब इसमें करना क्या है, इसको दोस्तों अगर आप चाहो तो इस तरह से पकड़कर भी तुरपाई कर सकते हो। अगर आपको इस तरह से तुरपाई करने में प्रॉब्लम आए तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। ये देखिए, सिर्फ इस तरह से पकड़ना है कपड़े को, और यहाँ पर आपको किनारे पे सिलाई लगानी है। तो दोस्तों, ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा था जो, इसको इस तरह से फोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएं।
तो दोस्तों इस तरह से देखिए, ये जो मैंने सिलाई लगाई है इसमें अब तुरपाई करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए अंदर से इस कपड़ा भी फोल्ड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स करना क्या है, हमें इसका जो आपस में है जो तीरे को जोड़ना है। दोस्तों आगे का गला बनाने के बाद ये देखिए इसका पीछे वाला भाग है, ये पीछे का हिस्सा है ये, तो ये देखिए ये इसका सीधा हिस्सा है। तो आपको करना क्या है, इस तरह से इसको रखना है, शोल्डर की हमें सिलाई लगानी है। शोल्डर की सिलाई लगानी बिल्कुल आसान है, आपको इस जगह से इसको पकड़ना है, ये देखिए दोस्तों, और यहाँ से सिलाई की शुरुआत आपको करनी है। और ये जो हमारा गला है, ये जो पट्टी फोल्ड करी थी, इसको फोल्ड करते हुए ही हमने दोनों तरफ से ये देखिए इसको बराबर रखना है इधर से, और आपको ये सिलाई इस तरह से शोल्डर की सीधी लगा देनी है। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल ये सीधी सिलाई लग जाएगी। दोस्तों ये सिलाई जब लग जाएगी, ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसमें हम कॉलर की कटिंग करेंगे, और बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा इसमें जो इस बैंड हम इसके अंदर बैंड लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए शोल्डर की सिलाई मैंने इसमें लगा ली है बिल्कुल आसान तरीके से, ये देखिए आप देख सकते हो। अब दोस्तों कॉलर की कटिंग कैसे होगी, कॉलर इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। ये जो शोल्डर की सिलाई है दोस्तों, इस जगह से आपको लगभग 2.5 इंच नीचे लेना है, ये देखिए 2.5 इंच इधर से और 2.5 इंच इधर से, इस जगह से आपको दोस्तों इसको पकड़ लेना है। और इस जगह से देखें, ये जो मैंने निशान लगाए थे इस निशान तक ये जो टोटल आ रहा है, ये आ रहा है 6 इंच, ये देखिए दोस्तों, तो 6 और 6 12, यानी कि जो भी कॉलर इसके अंदर कटेगी, जो बैंड इसके अंदर हम लगाएंगे वो लगाएंगे हम 12 इंच की। तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास एक बुकरम का टुकड़ा है, और इसको मैंने इस तरह से कर लिया है डबल। अब मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से जो हम इसकी जो बैंड कटिंग है, सबसे पहले इसको कर लेना इस तरह से प्रेस, एक सीधा निशान आपको इस तरीके से लगाना है। अब आपको पता है कि जो बैंड की जो चौड़ाई थी दोस्तों, लंबाई थी वो थी 12 इंच, तो आप इस तरह से 6 इंच पर एक निशान लगाएं। अब फ्रेंड्स करना क्या है, आपको इस जगह से रखना है 1.5 इंच, यानी कि जो बैंड की चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 1.5 इंच, और आपको इस तरह से दोस्तों ये गोलाई करनी है। जितनी बढ़िया आप गोलाई कर दोगे उतनी आपकी बढ़िया बैंड की शेप आएगी, ये देखें इस तरह से आप इसको गोलाई में आपको बैंड लेना है, यानी कि अब जो नाप लेना है हमने वो लेना है गोलाई में, ये देखिए दोस्तों इस तरह से। ये पीछे से रखना है आपको 6 इंच, और इंची टेप को घुमाते जाना है आपको इस तरीके से, और ये देखिए 6 इंच कहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर 6 इंच आ रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको 1.5 इंच इधर से नाप लेना है, क्योंकि बैंड की जो चौड़ाई हम 1.5 इंच रखेंगे। ये बैंड की जो चौड़ाई में 1.5 इंच क्यों रख रहा हूँ दोस्तों, ये जब पूरी हम बनाएंगे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये अलग तरीके से बैंड लगाने बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसमें क्या है कि हमारा 0.5 से 1.25 इंच बैंड अंदर मार्जिन में भी चला जाएगा। अब फ्रेंड्स ये निशान लगाने के बाद आपको एक निशान लगाना राउंड में इस तरीके से, इस तरीके से दोस्तों ये देखिए बैंड की कटिंग हो चुकी है। अब ये किस तरह से इसकी हम सिलाई करेंगे, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका इसको सिलने का बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो बैंड है मैंने कपड़े पर इस तरह से रख ली है। सबसे पहले आपको इसमें 2 गोलाई है, एक तो नीचे गोलाई है एक ऊपर गोलाई है, तो जो नीचे वाली जगह है जिधर ज़्यादा गोलाई है इधर से आपको सिलाई नहीं लगानी, आपको सिलाई इधर से लगानी है। किस तरह से दोस्तों इस कपड़े को करना है आपको इस तरह से फोल्ड। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी सारे की आप कटिंग कर लें। तो ये देखिए इस तरह से दोस्तों मैंने सिलाई लगा ली है। अब आपको एक कपड़ा और लेना है, ये देखिए जैसे मैंने रख लिया नीचे, अब आपको एक सिलाई और लगानी इस तरह से। ये कपड़ा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है, और जो सिलाई लगेगी दोस्तों सिलाई लगानी है बिल्कुल हमने, ये जो हमारी बुकरम है बुकरम के बिल्कुल ऊपर सिलाई लगाएंगे हम, बिल्कुल किनारे के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखें सिलाई में किस तरह से इसमें लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स इस तरह सिलाई लगाने के बाद ये देखिए अब सारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी मैं कर रहा हूँ कटिंग। अब इसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये जो गोलाई वाली जगह है यहाँ पर हल्के हल्के से आपको कट लगाना है। अगर आप ये कट नहीं लगाओगे तो आपकी जो बैन है इसकी प्रॉपर शेप नहीं आ पाएगी। कट लगाते समय याद रहे आपकी ये जो सिलाई है सिलाई ना कट जाए।
इसके बाद फ्रेंड्स आपको ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा होगा, ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी इस तरह से काट लेना है आपको, लगभग 1.5 इंच के करीब ये कपड़े को एक्स्ट्रा रखना है। और इसको कर ले सीधा, ये देखिए इस तरीके से ये आपकी बैन आसानी से सीधी हो जाएगी। तो दिख रहा होगा दोस्तों आपको ये जो बैन है, इस तरह से हम इसको सीधी कर लेंगे। आप चाहो तो पहले इसकी अच्छी तरह से प्रेस भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको सारा दिख रहा होगा, ये देखिए इस सारे एक्स्ट्रा कपड़े को करना क्या है, इसको सारे कपड़े को आपने, ये देखिए अब मैं एक सिलाई लगा के दिखाता हूँ आपको, इस तरह से इसको ऊपर रखना है आपको और इसको फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करते हुए ये देखें दोस्तों किस तरीके से मैं सिलाई लगा रहा हूँ। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लिया था ताकि इसको आसानी से फोल्ड कर सकें, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा इसकी कटिंग करी थी, हमें फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से हमारी बैन कंप्लीट हो चुकी है, इसमें जो धागे वागे सब उसको कंप्लीट कवर मैंने कर लिया है। अब इसको अटैच किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो ये बैन बना के मैंने कंप्लीट कर ली है, इसको लगाना बिल्कुल आसान है। देखिए आपको सबसे पहले इस तरह से बैन को फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल सेंटर में आपको इस तरह से एक निशान लगा लेना है, जैसे कि देखिए मैंने चौक से निशान लगा लिया है। आप इसी तरह से दोस्तों ये जो पीछे वाला हिस्सा है देखिए सेंटर में बिल्कुल आपको एक निशान लगाना है इस तरीके से जैसे मैंने लगाया है। अब इसके बाद दोस्तों बैन की चौड़ाई रखी थी मैंने लगभग 1.5 इंच, 1.5 इंच की चौड़ी कभी बैन हम लगाते नहीं हैं। और मैं आपको बताता हूँ किस तरह ये 1.5 इंच चौड़ी क्यों रखी थी, क्योंकि दोस्तों जब हम इस बैन को लगाएंगे इस तरीके से लगाएंगे, जब ये लगाएंगे तो इसकी चौड़ाई अपने आप कम हो जाएगी। इसको लगाना बिल्कुल आसान है आपको, ये देखिए इस सेंटर से सेंटर को मिलाना है और ये जो मार्जिन पीछे वाला इसको काटना नहीं है, इसको इसके ऊपर रख कर आप बैन की जो चौड़ाई कम कर सकते हो। और इस तरह से दोस्तों ये देखिए ये जो सिलाई इस तरह से लगती जाएगी, ये देखिए ये सिलाई बिल्कुल आसानी से, ये जो हमारा निशान था ये देखिए इस निशान तक आसानी से बिल्कुल कम्प्लीट ही आ जाएगी और सिर्फ एक सिलाई में ही ये बैन लग जाएगी। इसी तरह से दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद आपको इधर से भी ये स्टार्ट करनी है और ये देखिए ये जो हमारा निशान है इस निशान से ये बैन आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बैन पर एक निशान लगा लेते हैं जितनी चौड़ी हमने बैन रखनी है। तो ये दोस्तों ये देखिए लगभग इतनी चौड़ी हम बैन रखेंगे। ये मैंने हल्का निशान लगा लिया है और किस तरह से इस पर हम स्टिच करेंगे ये आपको मैं मशीन पर बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये बैन है, इस बैन को मैंने इस तरह से रख लिया सेंटर में और ये जो पीछे वाला भाग है इसका, ये सेंटर वाला पॉइंट है, इस सेंटर वाले निशान से मैंने इसको इस तरह से मिला लिया है। और ये देखिए जितनी भी बैन की चौड़ाई रखनी है उतनी ही आपको बस यहाँ पर एक सिलाई लगानी है किनारे पर। और बिल्कुल आसान तरीके से ये जो आपकी बैन आसानी से इसमें लग जाएगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो एक तरफ से मैंने इसको अटैच कर लिया है, अब हम इसको दूसरी तरफ से अटैच करेंगे। अब इसी तरह से दोस्तों ये देखिए वही फार्मूला है, निशान ऑलरेडी हमने लगा लिए थे उसी निशान पर हमने इस कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। और केवल इस तरह से दोस्तों एक सिलाई में ही बैन हमारी अटैच हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बैन लगाने के बाद जो भी इसके एक्स्ट्रा धागे थे सब की मैंने कटिंग कर दी है और इस तरह से इसका लुक आ जाता है। ये देखिए इस जगह से भी इसकी अच्छी लुकिंग आ चुकी है, इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा धागा नज़र नहीं आ रहा। आप चाहें तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पर थोड़ी सी आप तुरपाई कर सकते हो जिससे जो उठा हुआ भाग इसका बैठ जाएगा। और बैठने के बाद दोस्तों हालांकि ये जो गले वाला कपड़ा है इसकी भी तुरपाई होगी और इसका जो लुक इस तरह से आ जाएगा और इस तरीके आसानी से आप गोल गले में बैन लगा सकते हो। तो दोस्तों पहनने के बाद इसका जो लुक है बहुत ही शानदार आता है और हमारा गला ऐसे का ऐसा ही है, गले में हमने कुछ काट छाट एक्स्ट्रा नहीं करी। तो दोस्तों ये था गोल गले में या फिर बने हुए गले में किस तरह से हम कॉलर लगाएँ आज की वीडियो का जो हमारा टाइटल था। तो दोस्तों
हमने आज की वीडियो बना के आपको दिखा दी है। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।